हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास सेवन्थ का एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर वन। लेक्चर नंबर वन हमारा होगा पहला, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वाले चैप्टर को कर रहे हैं। इसका चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया, आप एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। तो हमारा जो चैप्टर टू है वो है फ्रैक्शंस। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फ्रैक्शन का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड जो बेसिक एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। तो हमारे को सबसे पहले तो फ्रैक्शन होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन का मीनिंग भी नहीं पता होगा तो आप लोग आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे और इसको आगे की चीज़ें आप लोगों को हो सकता है समझने में कोई प्रॉब्लम हो। तो देखो, पहले फ्रैक्शंस का मतलब समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। फ्रैक्शंस क्या होता है इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर है, मतलब कागज़ का टुकड़ा है या कंप्लीट कागज़ है, मान लो एक पूरा एक पेज है, ठीक है, कागज़ का एक पेज है मेरे पास। अब ध्यान से समझना, मैंने इस कागज़ के पेज में से एक छोटा सा पीस काट लिया है। ये छोटा सा क्या कर लिया है, एक टुकड़ा या पार्ट बोल सकते हो, इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रैक्शन का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी कंप्लीट चीज़, पूरी होल जिसको बोला जाता है होल, WHOL, होल, उस कंप्लीट चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया जाए तो वो जो छोटा सा हिस्सा निकला है ना, उस छोटे से हिस्से को ही क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। आई होप आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये जो छोटा सा पार्ट निकाला ना मैंने, सेडेड कर दिया इसको मैंने, ये सेडेड पार्ट ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। किसका फ्रैक्शन, इस पूरे पेपर का। और ये जो बाकी का बच गया पार्ट, ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये छोटा फ्रैक्शन है, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है, किसका, इस पूरे पार्ट का। आई होप फ्रैक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लिख भी देता हूँ। फ्रैक्शन क्या है, ये होता है पार्ट ऑफ होल। होल का मतलब कंप्लीट, और कंप्लीट चीज का एक छोटा सा पार्ट, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। अब ये तो ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मैथ। अब इस फ्रैक्शन को ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये टुकड़ा है, ये फ्रैक्शन हो गया। ये तो ठीक है, फ्रैक्शन कहलाता है, लेकिन मैथ की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसको, तो मैथ की फॉर्म में लिखना हमारे को सीखना पड़ेगा। तो मैथ की फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, जैसे ये मान लो कि क्या है, पिज्जा। अब पिज्जा की स्पेलिंग ये होती है और लिखते कैसे हैं, पिज्जा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप लोगों को कई बार सुना होगा आपने, इंग्लिश लैंग्वेज है ही ऐसी, हम क्या कर सकते हैं। ये पिज्जा का एक पीस है, ये चपाती हो सकती है कोई भी, ठीक है, ये कोई चपाती का पीस है, ये मान लो। इस चपाती के पीस के मैंने क्या किया है, चार इक्वल पार्ट्स कर लिए। देखो, ये चार इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि चार बहन भाई है, उनके अंदर उनके बीच में हमें बांटना है इनको, तो हमने इसके चार इक्वल पार्ट्स कर लिए, इक्वल। अगर इक्वल नहीं करोगे तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी कि इसको ज़्यादा क्यों दे दिया, इसको कम क्यों दे दिया। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके चार इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब जैसे मान लो कि चार बहन भाई थे, उनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, एक जैसे राम है, ठीक है, एक जैसे मोहन है, एक मान लो कि सिस्टर है उनकी कोई रेखा, ठीक है, और एक मान लो कि कोई नाम दे देते हैं हम लोग एनी, ठीक है, ये हमने कोई नाम दे दिया है। ये चारों बहन भाई है, हमें क्या करना है, इनको चारों के बीच में बांटना है। तो जैसे मान लो कि मोहन को कितना मिलेगा, मोहन को कितना दें, तो हमने एक्चुअल में क्या किया है, इसके चार इक्वल पार्ट्स करके चार में से एक पार्ट किसको दे दिया, मोहन को दे दिया। तो इसको मैथ की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझो, चार इक्वल पार्ट्स के उसको तो डिनोमिनेट मतलब नीचे लिखा और यहाँ एक बाई का साइन लगाया या फिर डिवाइड का साइन लगाया, इसको बाई पढ़ते हैं, ठीक है। और जितने पार्ट्स मोहन को दिए हैं, कितने पार्ट्स दिए हमने मोहन को, एक पार्ट, उसको कहाँ लिख दिया, ऊपर। तो अब ये जो पार्ट हमने किया था जिसको हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं, इस फ्रैक्शन को हमने मैथ की फॉर्म में ऐसे लिखा है। अभी मैं डिटेल में और यहाँ पे लिख के बताऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं, अभी के लिए आप ये समझो, बस रेखा के लिए भी इसको बोलते हैं 1/4, 1/4 या 1/4। यहाँ राम को भी कितना है, 4 में से एक पार्ट मिला है, एनी को भी 4 में से एक पार्ट मिला है। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान से समझना, अगर मान लो कि मुझे क्या करना होता, इस चार में से
तीन पार्ट्स किसको देने होते हैं, जैसे आप दो जनों में ही बांटना है, एक राम के बीच में और एक मान लो कि श्याम के बीच में हमें बांटना है, तो राम को मैं ये शेडेड वाला मतलब राम को कौन सा रेड कलर वाला जो पार्ट है तीन पार्ट्स देने, तो टोटल कितने पार्ट्स किए हमने, चार पार्ट्स, उसमें से राम को कितने दे दिए हमने, तीन, तो राम को जो फ्रैक्शन मिला वो कितना है, 3/4, और बाकी क्या होगा, श्याम को क्या देंगे हम लोग, एक पार्ट दे रहे हैं कितने में से, चार में से, तो शाम का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। आई होप आप लोगों को इसका बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अब फ्रैक्शन को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अगर कोई भी नंबर अगर इस टाइप का दिखे ए बाई बी, अब यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं समझा देता हूँ, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो b है ये जीरो नहीं होना चाहिए, डिवाइड में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण मैं कभी आगे आप लोगों को एक लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा, वहाँ पे अच्छे से पूरा डिटेल में एक लेक्चर आप लोगों के लिए इसी का बना दूंगा। अभी के लिए ध्यान रखना है कि कभी भी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिवाइड बाई जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, कि इफ बी इज इक्वल जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आगे जाके आप 11th क्लास में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसको पढ़ते कैसे, ए इज टू बी बोल दिया, या ए बाई बी बोल दिया, या फिर ए अपॉन बी बोल दिया, इसको पढ़ने का तरीका है। अब ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ए है ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है न्यूमेरेटर, और जो बी है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। आई होप आप लोगों को इसका बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या है। जैसे हम इस एग्जांपल को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, 3/4, इसका मतलब चार में से कितने हिस्से हैं, थ्री हिस्से हैं। यहाँ पे थ्री तो क्या है, न्यूमेरेटर है, और जो नीचे लिखा हुआ है ये फोर क्या है, डिनोमिनेटर है, और ये पूरा 3/4 क्या है, एक फ्रैक्शन है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन को मैथ की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, भाई अभी तक हमने सीखा है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आपके 7th स्टैंडर्ड में नहीं बनेगा, लेकिन 6th स्टैंडर्ड तक ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते थे। तो करना क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही है, आप लोगों को डायग्राम दे देगा वो, इस टाइप का डायग्राम बना के, और कुछ पार्ट को शेडेड कर देगा, ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन है। शेडेड पोर्शन मतलब है कि यहाँ पे उसने कलर कर दिया, कुछ कर दिया, इस शेडेड पोर्शन के हिसाब से उसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है, पी ए बाई बी की इस टाइप के फॉर्म में लिखना है। एक चीज़ और मैं भूल गया आप लोगों को बताना, फ्रैक्शंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होगा। इसको ऐसे समझ लो, भाई इसमें से कोई टुकड़ा निकालना है तो टुकड़ा माइनस में कैसे हो सकता है, वो टुकड़ा तो टुकड़ा है, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दे दूँ आप लोगों को, अब हमारे को क्या करना है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो देखो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, और टोटल कितने पार्ट शेडेड पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो शेडेड पार्ट वाला जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/8। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि वो फ्रैक्शन दे देता है, उसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस टाइप की फॉर्म में। तो जैसे मान लो कि कहीं पे दे दिया 4/5, तो आप लोग क्या करो, या तो सर्कुलर फॉर्म में बना लो, या मैं ऐसे बना देता हूँ, भाई पाँच इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, इसमें से शेडेड कितने करने हैं, 4, तो दो इधर कर दिए मान लो, और दो इधर कर दिए। आप चाहो कोई से भी चार को क्या कर सकते हो, शेडेड कर सकते हो। तो इससे हमने क्या बना लिया, डायग्राम भी बना लिया। आई होप आप लोगों को बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, न्यूमेरेटर किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आज का लेक्चर केवल एक फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे,
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।